بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك कल्ला तबारक वाली फी किताबिलमजीद वारतन तरतीला परदारम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तोहफ़ी कीनायत की है तो हमारी बास हरक़ में चल रही थी अमत अलाम, क़ुरान करीम के हवाले से वो वहम जो कुर करीम पे लगाई जाती है, वो हैं वह अमतें जैसे पिछले मरतबा ज़बर जेर पेश को किसने बनाया उसके तारीख़ी तारीख़ी मरहल के बारे में बताया अब दुअली से पहले रसूल खुदा का ज़माना उसके बाद दूसरे मरल में अबुल अबद दिली और तीसरे मरहल में यह अब नाम और न सरबन आसिम और चौथे मरहल में खलील लिबिन अहमद फ़राहिदी ने लगाई थी और भी मुनासिबत से और वो खलील लबन अहमद फ़राहिदी की अलामतें अभी तक जारी और सारी हैं वही अलामतें जो उन्होंने बनाई थी अब उन अलामतों में से हम एक एक अलामत के बारे में मिसालों के साथ तोजीह देंगे लेकिन कुल्ली एक बहस के तौर पर देखें ज़बर में मुंह ऊपर की जानब होंठ ऊपर की जानब खुल जाते हैं ब अब इसी को थोड़ा खेन चेंगे तो अलिमद बन जेर में बी होंठ नीचे की जानेब झुक जाते हैं बी बी बिन बु होंठ आगे की जानेब बढ़ते हैं पेश बम बु बू बु, बु, और बुन ये है आवाज़ों के हवाले से अब हम कहते हैं कि हमारे पास अरबी जबान में आवाज़ आवाज़ को तकसीम कर, करेंगे तो तीन किस्में बनेंगे या होंठ ऊपर की जानब खोलेगा बी बो सदा हरकत मसल मख्तल तबीरें हैं बस ज़ैर ज़बरपेश का नाम भी अरबी में भी उर्दू में भी मुनासिबत से रखा है और वो भी मुंह के हरक़त के हिसाब से असद ने कहा उस आदमी से जिसको बुलाया था उसे उसके जर उससे कहा कि जब मुंह ऊपर की जानब खुले तो ऊपर नुकतः लगाएँ नीचे खुले तो नीचे नीचे जाने नीचे हर्फ के नीचे नुक़् लगाएँ जब मुंह आगे की जानब बढ़े तो एक सुरख नुकतः हर्फ के आगे लगाएँ इस तरीके से मुश्किल हल हुई थी काफ़ी हद तक जो जिसके बारे में सबक़ा दुरुस्म हम हम तोजी दे चुके हैं अब दोबारा उस पर उस तब उन तफ़ी तफसिल, तफसील में नहीं जाएंगे अब हम आते हैं उसकी तकसीम बंदी वगैरह किताब में है लेकिन फिर भी हम इन्ना शुरा अनजल्लाफिल तिलकदर शुर कदर की थोड़ी सी मश्क करने के बाद और फिर जाते हैं ज़बर की तरफ आऊबिल بسم الله الرحمن الرحيم إنا عبد بعد الف أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يعني اس درس درس نمبر نو کے آخر میں مشق کے لئے ہم نے اس کتاب قرآن میں سورة قدر كِي پریکٹس اور مشق دی ہے جو کسی ماہر बड़े इंटरनेशनल किसी उस्ताद की तलावत सुनते हुए और उसकी आवाज़ की कॉपी और नकल उतारते हुए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह लहजा तब्दील हो जाएगा अब आते हैं उन्हीं आवाज़ों में से या हमारा मुंह ऊपर की जानिब खुलता था यानी होंठ ऊपर की तरफ उसमें से पहला मोरद ज़बर है अरबी में उसे फ़तहा कहते हैं और फ़ारसी और उर्दू में ज़बर कहते हैं अब आप देखते हैं ज़बर यानी ऊपर फतहा यानी ऊपर इसकी एक शक्ल है सबसे पहले शक्ल है इस शकल को किधर से लिया खलील इब्न अहमद फराहिदी ने अलिफ की शक्ल से छोटा करके लिटा कर एक तिरछी सी छोटी सी लकीर जो कि हर्फ के ऊपर यानी लगाते हैं तो ये ज़बर की अलामत है शक्ल फिर उस शक्ल का नाम ज़बर रखा गया फिर उसका एक तलफुज है तलफुज क्या है वहीं अलिफ को अलफ़ में जितनी मक़दार है उससे कम खींचना आ को आ ये जबर की कीत है आ अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आ हो जाएगा बहुत ज़रूरी है और हम देखते हैं जब भी कोई कार्य क़ुरान जिसका लहजा ख़राब हो या सही नहीं हो तो यही सी इसी अजल बह पढ़ते हैं ब के जगह में जो जब तक अरबी लहजे के मुताबिक हम अदा नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमारा लहजा यानी नहीं, नहीं बनेगा बस जबर की शक्ल नाम और उसके आवाज़ सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ाते वक़्त अगर ये बोर्ड पे हम बताते या लिखते तो और अभी और भी अच्छा होता वो ये कि अभी क्योंकि बयान कर रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा अगर दिक्कत या इस किताब को तहिया करने के बाद अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा बस जब भी कोई तालबिलुम कोई उस्ताद ज़बर का दर्ज जब दे रहा हो तो उसमें कई तरीके इस्तेमाल कर सकता है सबसे पहले यह कि अगर बच्चा बहुत छोटा हो तो एक कागज़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश पहले जिस तरह हरूफ सिखाते वक्त किया है उस तरह के ज़बर की अलामत को कभी ज़बर की अलामत को सामने रखेंगे कभी जेर को कभी पेश को कहेंगे बच्चों के बच्चों से ये कहेगा कि मैं अब जो है आपके सामने एक शकल दिखा रहा हूँ बच्चों उसका नाम बताओ कहेंगे आप फ़ौर कागज़ में लिखा हुआ हो प्रिंट शुदा हो खूबसूरत अंदाज़ में रंगीन तरीके से फ़ौर आगे ले कर तो क्योंकि बच्चों को पहले बता चुके हैं इस वजह से कह देंगे ज़बर इसकी आवाज़ कैसे आएगी अ ब त, 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 जब ज़बर जब कहेंगे तो हरूफ तहजी के साथ इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को एक और ज़बर के लिए जो बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं एक छोटी सी हरकत वो हरकत या वो अलामत आप जिस तरीके से ख़ुद इख्तरा करें मसलन हाथ हाथ को ऊपर की जानब हरकत देते हैं अ, अ, ये ज़बर की अलामत हो गई इ जेर और उ पेश के लिए अब बच्चों के लिए हरूफ तहजी लिखने के बाद बोर्ड के ऊपर आप कहेंगे ए त, त फ, जो ही हरकत देते जाएंगे तो बच्चे खुद पढ़ते चले जाएंगे इसी तरह से खुद शुरू के अंदर भी जैसे इन्ना अनजलना फ़िलत तिलक्र काफ में आने के बाद कद रि या बिस्मिल्लाह में बीस मिल ल हिर और जो ही हरकत इस तरह देंगे तो रह यानी वो बच्चा समझेगा कि ज़बर है और बस एक हरकत के ज़रिए से भी हमें यानी हरकत एक छोटी सी हरकत हाथ के हरकत के ज़रिए से हम सिखा सकते हैं मुख्तल तरीक़ों से जो जो भी तरीके जो भी रविश जो भी अंदाज़ हो सकता है उसके ज़रिए से बच्चों को बड़ों को जो भी कुरान सीखना चाहता है तो अज़ में ये फ़न होना चाहिए कि वो किन को कैसे और अच्छे अंदाज में सिखाया जा सकता है खसूसा जब क्लास में हो तो बज़यीफ़ बच्चे होते हैं कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको समझाने के लिए आप मख्तलि हरबे मख्तल तरीक़कार इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा जल्दी सीख जाए अब ज़बर की आवाज़ जो है वो अरबी और उर्दू में एक जैसी है अगर सही फ़सी मालूम लहजे में ज़बर को तलफुज किया जाए जैसे एक उर्दू सीखने वाले फ़र्द के लिए ज़बर का तलफुज मुश्किल नहीं है हम मिसाल देते हैं अब अब आ गए हो मसलन अब तब अब देखें तह तह तब वही मसला है कब से आए हैं कब कब क�, क सब बट जा बट हट तप जा या खुद ब, जब बज बच बस बल पर तर सर हर चल कल तक कमर कटर कत, अगर मगर नगर ऐसे अल्फाज लिखने से ये होगा कि बच्चों को हत उर्दू अल्फाज भी याद करवा सकते हैं ज़बर के बहाने से और फिर अरबी अल्फाज भी सिखा सकते हैं एक तो ये बात बताएं कि ज़बर की अलामत को लिखने के बाद कहेंगे इस शक्ल का नाम क्या है बच्चे बोलेंगे ज़बर और ज़बर की आवाज़ क्या है आ अब आओ प्यारे बच्चों हम जो है ज़बर को हरूफ तहजी के साथ प्रैक्टिस करते हैं इस किताब में हमने पहले आसान अंदाज में मखारिज को सिखाने की कोशिश की थी अब उन्हीं मखारज को सीखने के बाद मसला भी यही है बहुत से जगहों में लोग सबसे पहले ज़ैर जबर पेश से शुरू करते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है लेकिन अगर मखारिज सिखा कर फिर जैर जबर पेश की मशक भी करवाएँ तो बहुत फ़ायदा होगा एक तो पहले मखारिज आप सिखा चुके हैं फिर जैर जबर पेश की मशक करवा रहे हैं सही मखारिज के साथ तो फिर बच्चे के लिए अच्छा होगा और मलका हासिल होगा और बाद में भी जब भी कुरान पढ़ेगा तो उसका लहजा लहजे में और हरफ़ की अदायगी में गलती नहीं होगी आप इसी तरीके से जैसे अ कहा अ ब त फ ज ह ख, ख द da र ra स श sha do do मसलन masalan को हम बोलेंगे स श और सात को स सा, सा, और बाद को ब अब उस्ताद बोले फिर बच्चे जवाब दें तो इसी में बच्चों बच्चे जब मिल कर पढ़ते हैं तो वो थकते भी नहीं हैं और जल्दी सीख भी जाते हैं अब मिसालों पे आते हैं मिसालों पे आने के बाद कायदा में या कुरान में नूरानी कायदा में जो भी जहाँ भी जो कायदा भी आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं अगर कोई ना सीखा हो तो भी यहाँ से इस अंदाज में मशक़ के लिए इससे भी इस किताब से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है हमने इससे पहले एक और किताब लिखी है जो कायदा के तौर पर है छपी नहीं है लेकिन उसमें आसान से आसान फकत मखारिज के पर तो दी गई है फिर एक एक दो दो हर्फ की प्रैक्टिस है यहाँ पर हमने कुछ मिसालें ज़्यादा इसलिए दी हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो और साथ साथ मिसालों के साथ अलफा भी याद हों और मानी भी याद हों इस किताब का दौरा करते हुए एक मफाहिम का भी साथ साथ दौरा हो जाए जैसे व आधा व आधा उसने वादा किया व जय द उसने पा लिया उसने पाया क आ द वो बैठ गया क ल ब उसने मांगा तलब किया ह र सा उसने काश की उसने खेती की काश्तकारी की उसने काश किया न क उसने तोड़ा न क्या ब क्या उसने ठोकर लगाई ठोकर मारा ग उसने माफ़ कर दिया वाह ए कदा के, के मानिए उसने गफर बख्श दिया वाजा उसने नसीहत की और अकल उसने खाया ए कह ल ल وصل وصل عرف عرف وجدك وجدك وصل وبوحش جا عرف وش نبحث وجدك وش نابكوا پايا خلقك خلقك وش نابكوا فقدر بس وش نتكدير بناءم ف

में जहां जहाँ भी हरफ ज़बर आया है उसको टारगेट बना के बच्चों को बताएं कि मस गिनना शुरू करवाएं कहें कि ज़बर कहाँ कहाँ आया है सब बोले है बोर्ड पे हो या कुरान पे हो बच्चों को कहें पहली आयत में कहाँ जबर आया है आ, हा हा में हा अलिफ मद्दा भी है लेकिन ज़बर की अलामत कितनी जगहों में आई है बच्चे गिनना शुरू करेंगे एक दो تين چار. چار میں پہلی میں بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۖ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۖ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۖ इव्म इव्म लौली। लौली। इस तरीके से इसमत पर यानी ज़बर की अलामत को इस अंदाज़ में प्रैक्टिस करेंगे मशक़ करेंगे और दूसरों को भी बच्चों को भी सिखाएंगे तो यह हरुफ यहूफ़ के ऊपर أماري صحيح ادا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد